Good morning students, my name is Pankaj Sarangi, your maths teacher. आज chapter 13 perimeter and area के अंदर exercise 13.1 के 13.1 start करें. 13.1 का question first. Find the area of square whose side is 2.1 meter. Square का area find out करना. Area of स्क्वायर, तो इसमें क्या गिवन है आपको, साइड ऑफ स्क्वायर 2.1 मीटर एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड कितना है 2.1 मीटर 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 4.41 मीटर स्क्वायर आंसर. क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हूज साइड इज 2.1 मीटर. आपको स्क्वायर की साइड गिवन है, स्क्वायर की साइड गिवन है 2.1. आपको इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है और हर बच्चे को पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है. साइड मल्टीप्लाई साइड 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 और 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 होता है 4.41. क्लियर, ये आपके क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट. क्वेश्चन सेकेंड समझ में आ गया, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है बेटा. क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 7.5 meter and breadth. क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है. क्लियर, कैसे स्टार्ट करें सॉल्यूशन. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 7.5 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 7.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल breadth of rectangle 2.5 meter. clear, क्या find out करना है, area of rectangle, area of rectangle length multiply breadth. clear, ओके. लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, ब्रेथ की जगह ब्रेथ का वैल्यू पुट करेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल 7.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई करते हैं 80.75 मीटर स्क्वायर आंसर.
क्वेश्चन में था फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ दिस ब्रेथ दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दिस मल्टीप्लाई दिस लेंथ की जगह मैंने 7.5 पुट किया ब्रेथ की जगह 2.5 पुट किया मल्टीप्लाई किया कितना है 18.75 मीटर स्क्वायर ये हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कुछ क्वेश्चन एग्जांपल मैं करवा देता हूं मित्रों एग्जाम्पल इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 360 इज 360 मीटर स्क्वायर 360 मीटर स्क्वायर and length 18 meter find and length 18 meter find its breadth find its breadth question के अंदर length given है area given if the area of rectangle is 360 meter square and length 18 meter find its breadth इसकी breadth find out करो जब आपको length given होती है तो कैसे आप breadth find out करोगे और breadth given होती है तो कैसे length find out करोगे question के अंदर जो values given है उसको note करते हैं area of rectangle area of rectangle 360 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 360 मीटर स्क्वायर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 18 मीटर डायरेक्ट यदि मैं बोलूं कि किसी क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन होता है और उसका लेंथ गिवन होता है तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करने पर लेंथ फाइंड आउट होता है और एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करने पर लेंथ फाइंड आउट होता है और लेंथ से डिवाइड करने पर ब्रेथ फाइंड आउट होता है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स मीटर क्लियर area डिवाइड में जाए 18 सेक 20 टाइम इसका ब्रेथ कितना आ गया 20 मीटर क्लियर आंसर कोई दिक्कत नो क्वेश्चन पे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 One side of a square. Question number 6 of 13.1 exercise. 13.1 exercise.
13.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन 6, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर फुट, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर फुट। अच्छा क्वेश्चन, वन साइड ऑफ स्क्वायर फुट, स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर जैसा फील्ड है उसका साइड गिवन है इज 92, इज 92 मीटर, इज 92 मीटर। फाइंड फाइंड द कॉस्ट राइजिंग अलो, फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ राइजिंग अलो, राइजिंग अ लोन ऑन द फील्ड, एक लोन बनाया जा रहा है फील्ड के ऊपर, उसको बनाने में कितना पैसा लगा, कितनी कॉस्ट आई, ऑन राइजिंग अ लोन ऑन द फील्ड, उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा, एट द रेट, उसका रेट है, आपको रेट दिया हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, एट द रेट ऑफ रुपीज 1.8, एट द रेट ऑफ रुपीज 1.50 पर स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट कैसे निकाले ये सब डिपेंड करता है रेट ऑफ रुपीज, जिसका रेट गिवन है वो किस यूनिट के अकॉर्डिंग रेट गिवन पर स्क्वायर। अब स्क्वायर मीटर किसका यूनिट होता है बेटा, एरिया, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का। क्वेश्चन के अंदर हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर 92 मीटर, 92 मीटर, रेट ऑफ रुपीज, रेट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, रेट ऑफ पर मीटर स्क्वायर कितना है, 1.50 रुपीज। क्लियर, एरिया ऑफ स्क्वायर यहां से होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। कितना है 92 मल्टीप्लाई 92 करके देखो 8464 मीटर स्क्वायर, 8464 मीटर स्क्वायर। उसके बाद फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ राइजिंग अ लोन, लोन को बनाने में कितना कॉस्ट लगा। क्वेश्चन था साइड ऑफ स्क्वायर गिवन थी 9.2 मीटर, रेट उसका गिवन है कि किसके अकॉर्डिंग वो चार्ज करे, 1.50 रुपीस, मतलब 1 रुपीस एंड 50 पैसे। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, पहले अपन स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और उस जो एरिया है ये मीटर स्क्वायर आ गया एरिया, इस एरिया को रेट ऑफ कॉस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, रेट ऑफ कॉस्ट से उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 8464 मल्टीप्लाई 1.50 रुपीस। क्लियर, आंसर है इसका
1,2,6,96 रुपीस। उस स्क्वायर फील्ड को के ऊपर लोन बनाने में इतना कॉस्ट आया। क्लियर, एक बार रिपीट कर लेता हूं। साइड ऑफ स्क्वायर 92 मीटर था, रेट ऑफ पर मीटर स्क्वायर था 1.5 रुपीस, एरिया स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 92 मल्टीप्लाई तो आया कितना 8,464 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ राइजिंग द लोन, लोन को बनाने में कितना कॉस्ट लगा, टोटल कॉस्ट कितना लगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दे एरिया को, तो क्या है 12,696 रुपीस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 13.1 एक्सरसाइज 13.1। इसके बाद क्वेश्चन सेवन द एरिया ऑफ फोर होल क्वेश्चन सेवन the area of four holes of a hole is 266 square meter, the length and breadth of the hole, hole की length और breadth given are 12 meter and 7 meter respectively। मतलब पहले respectively का मतलब है कि पहले लेंथ आया है तो पहले वाली वैल्यू लेंथ की होगी और बाद में ब्रेथ आया है तो बाद वाली वैल्यू। फाइंड द हाइट ऑफ द होल। क्लियर, अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, लेंथ ऑफ रूम कितना लंबा, लेंथ ऑफ रूम आप जानते हो रूम का बेस कैसा होता है, रूम का फ्लोर, लेंथ ऑफ रूम 12 मीटर, ब्रेथ ऑफ रूम कैसा होता है रेक्टेंगल जैसा ब्रेथ ऑफ रूम कितना है 7 मीटर। क्लियर यहां तक, और हाइट ऑफ रूम की हाइट जो फाइंड आउट करनी है, एक्स मीटर में चल रहा है, यस एक्स मीटर ये मैंने अज्यूम कर लिया, लेट द हाइट ऑफ रूम एक्स मीटर, एरिया ऑफ फोर होल गिवन, एरिया ऑफ फोर होल्स ऑफ रूम 266 स्क्वायर मीटर। क्लियर, अब एरिया ऑफ फोर होल क्या होता है, लेंथ प्लस डी 2 मल्टीप्लाई एल प्लस डी मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू 266 मीटर स्क्वायर। ये मैंने पिंक बॉक्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एरिया ऑफ फोर होल कैसे फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पेरीमीटर को, ये रहा रेक्टेंगल का पेरीमीटर, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ये ब्रैकेट,
ये l प्लस b, 2 मल्टीप्लाई l प्लस b क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई हाइट, पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर को यदि हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, एरिया ऑफ 4। क्लियर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हाइट फाइंड आउट हो जाएगी। L plus B, 2 multiply L कितना है, 12, breadth कितना है, 7, height x assume किया था 266, 2 multiply 19 multiply x 266। थर्टी एट मल्टीप्लाई में साइड चेंज होगा तो डिवाइड में जाएगा 7 मीटर, 7 मीटर उस रूम का हाइट आंसर। क्लियर, ये हुआ आपके 13.1 के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। आप इसमें वर्क नोट करें, वर्क में आपको पीडीएफ में भेज दूँ, वर्क में आपको पीडीएफ में भेज दूँगा, बाकी अगले दिन। थैंक यू।